तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गा पूजा फोटो एडिटिंग स्पेशल के बारे में। तो गाइज, अगर अच्छी लगी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे PNG एंड बैकग्राउंड का लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद गाइज सिंपली से पिक्सआर्ट ओपन कर ले। तो देखिए कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड है, इसे मैं पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइज एक PNG ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये ऐड फोटो में हुआ एंड ये दुर्गा पूजा का जो PNG था, इसको हम दुर्गा माता का इसको ले लेते हैं एंड इसको फुल्ली जूम करके गाइज अपने पूरा अच्छी तरह से सेट कर लें, ठीक है। तो देखिए सेट हो गया गाइज। सेट करने के बाद इरेजर टैप करें एंड डबल टैप इरेज पे हार्डनेस को 1 कर देना है, ठीक है, 0 कर देना है एंड जो है सब सही है। उसके बाद इधर नीचे से इरेज कर ले, ठीक है, थोड़ा बहुत इरेज कर ले। तो देखिए इरेज हो गया, उसके बाद डन कर ले गाइज, अगेन डन एंड टूल्स में फिर जाएगा। और उसके बाद ये जो टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन है, इस पर टैप करें एंड सबसे नीचे इसको कर ले, ठीक है, इस तरह से। एंड इसका अमाउंट जो है ना 3 या 4 के पास रहने चाहिए। उसके बाद डाइन, उसके बाद गाइस फिर से ऐड फोटो में जाएं एंड अपना जो मॉडल है वो ले ले, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं अपना मॉडल ले लिया, मॉडल को अच्छी तरह से सेट कर ले, ठीक है। तो देखिए मॉडल को मैं अच्छी तरह से सेट कर लिया, उसके बाद डन। डन करने के बाद गाइज ऐड फोटो में जाएं एंड ये PNG ऐड कर ले, ठीक है। ऐड करने के बाद पूरी कॉर्नर में अच्छी तरह से सेट कर ले। सेट करने के बाद डन, अगेन डन, फिर से ऐड फोटो में जाएं एंड इस बार स्मोक PNG, ये PNG ऐड कर लें। बस इस PNG को अच्छी तरह से पूरा जूम कर ले गाइस, हो गया, अगर डन। फिर से ऐड फोटो में जाएं एंड फिर से एक PNG ऐड कर लें, जस्ट ये PNG गाइस। मैंने सारे PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, एंड ऐड एंड इसको जस्ट नीचे। तो हो गया गाइस डन एंड आपको फिर से एक आपको 2 PNG और ऐड करनी है, जस्ट ये वाला ऐड कर लें, माला PNG, अच्छी तरह से माला को सेट कर लें। तो आप लोग अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो इसी तरह सेट करके बता रहा हूँ जैसे तैसे फास्ट में। इरेजर इस तरह से, डन, अगेन डन एंड आपको एक और PNG ऐड करनी है, वही है PNG है, इसको ऐड कर लीजिएगा एंड अच्छी तरह से जूम करके। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आपको डार्क, ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना है, ठीक है। इसका ब्लेंडिंग मोड डार्क कर देना चाहिए, उसको डन एंड आपकी ये फोटो यहाँ पे पिक्सआर्ट में एडिट हो गई है एंड इसको ड्रॉ टूल में जाके सेव कर ले, ठीक है। तो सॉरी गाइज, ड्रॉ टूल में भी सेव नहीं करना है, इस पर एक PNG रह गया है, उसको बाकी है वो PNG लगाना, ठीक है। तो बैक आ गए, वो टेक्स्ट PNG भूल गए थे, ठीक है। तो एक टेक्स्ट PNG है, उसको लगा लीजिएगा आप। ये देखिए टेक्स्ट PNG मैंने दे रखा था। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आपको मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। डन करके आप ड्रॉ टूल में इसको सेव कीजिए। सेव करके उसके बाद गाइस आप लोग लाइट रूम में ओपन कीजिएगा। तो चलिए मैं लाइट रूम में ओपन कर लिया, ठीक है, लाइट रूम में। चलिए ओपन हो गया मेरा पिक। ओपन होने के बाद सबसे पहले गाइस आपको लाइट टिपना है, ठीक है। लाइट टिपेगा, ये अपना लाइट एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, और आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, नहीं तो आप मैन्युअली ऐड मतलब ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट माइनस किया, ठीक है, एंड शेडो थोड़ा इंक्रीज, हाईलाइट भी थोड़ा इंक्रीज
चलिए उसके बाद वाइट थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा ब्लैक कम कर देंगे गाइस। चलिए इतना बहुत सही है। एंड आगे मिक्सटोन, मिक्सटोन आपको वाइब्रेंस, और सबसे पहले वाइब्रेंस का ऑप्शन आता है, थोड़ा बढ़ा देंगे तो थोड़ा लाइट करने लगेगा आपका पिक। एंड आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं छेड़ना है, एंड मिक्सटोन में जाना है, और ये ऑरेंज टोन का थोड़ा लुमिनस बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपकी फेस भी डिटेक्ट करने लगेगी। एंड गाइज अगर आप लोग सबका सेचुरेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, वो भी बेस्ट ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए सबका सेचुरेशन। एंड डन। अब नेक्स्ट वन में जाना है आपको, टेक्सचर थोड़ा बढ़ा देनी है, थोड़ा क्लैरिटी एंड थोड़ा डिहेज, डिहेज थोड़ा माइनस 2-4%, ठीक है। और डिहेज इसको नहीं हो रखिएगा, टेंशन नहीं। चार परसेंट डिहेज माइनस में हम रख दिए, थोड़ा बिगनेट कम कर दीजिएगा 10% के आसपास। उसके बाद देखिए आपकी फ़ोटो में क्या ही क्वालिटी आ गई है। एंड आपको ग्रेन, ग्रेन लगभग 10% या 11% से ज़्यादा नहीं आपको ग्रेन मारना है, ठीक है। ग्रेन मारने के बाद साइज जो है ना माइनस कर दीजिएगा। एंड अगले सबसे अगले टोन को दोनों को इनेबल कर दीजिएगा, ऑपेक्टिक का ऑप्शन जो है। इसके बाद शार्पनिंग, शार्पनिंग बढ़ा के थोड़ा नॉइज रिडक्शन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको कलर नॉइज बढ़ा देना है। एंड आपकी फ़ोटो देखिए क्या ही शार्प हो गई गाइज। तो गाइज आपकी फोटो एडिटिंग हो गई। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।